1650 से, सिंगल है, 2 BHK है, 1650। शक की नजरों से देखते तो मनोबल टूटता है। क्यों यार ऐसा क्यों? अरे 12th में ना था ऐसा, मतलब पेंडिंग पड़ा था इतने टाइम से। ये पूरा घर सुना हो गया। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी शिवाय ब्लॉग्स। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह की 12:30 और हमारा जो भी डेली रूटीन था सब पूरा कंप्लीट हो गया है। और पता है आज कौन आया है हमारे घर? आए हैं हमारे मामा चीकू को लेने के लिए। आज चिराग भी चला जाएगा, घर हो जाएगा सुना सुना प्रिंसी अकेली। ओ नानी, नानी तो खर्राटे मार रही है, तकिया दे दो, उसके तकिए पे सोए हो तुम नानी। नानी की कुछ बातें, नानी इसको क्या बोलते हैं? ये लगा है ये लाइट। नहीं नहीं, तुम्हारी भाषा में नानी बोलती लेट बंद कर ना, फिर दूसरा रुमाल जाता ना अपना हैंकी, उसको नानी बोलते दस्ती। और फिर जो मतलब क्या बोलते हैं टीवी में फाइटिंग होती ना, नानी का फिटिंग कर ही रहा, मतलब अपन बोलते ना फाइटिंग कर, नानी बोलता फिटिंग कर ही रहा। मतलब नानी की ऐसी कुछ बातें जो बहुत याद आती। खोल के दो लो, बैठो पढ़ाई करो। हाँ जय जय गाय गाय। तो अभी प्रिंसी इधर पढ़ाई कर रही है, अभी से इसको शौक चढ़ रहा है पढ़ाई का। और अभी मैं जाती हूँ घर, मैं रहूँगा घर, जाती हूँ अभी फिलहाल। और थोड़े बहुत कपड़े खड़ी करने के कर लेती हूँ। खाना मैंने मेरे घर ही खाया नहीं, तो आप कमेंट करोगे कि आपने खाना यहाँ खाया नहीं। खाना मैंने घर खाया, मैंने आज बनाई थी लौकी की सब्जी और रोटी। आज दही भल्ले नहीं बनेंगे, मम्मी का उपास है। चलिए क्या करा मम्मी, बनो दही भल्ले गला क्यों नहीं कल, और मेरा उपास है आज, मम्मी का उपास है। देखो मम्मी क्या बोलती है कि बच्चे जाएंगे जरा मैं चेन से सोऊंगी, बच्चे कहती है चेन से सोना हो रहा है। देख लो कहीं ब्लाउज खोलना तो कहीं ब्लाउज सिलना तो कहीं सफाई करना, परेशानी की एक घंटा आराम कर लेंगे। कभी मैंने बोला मम्मी मेरा काम हो गया अब आराम कर लो 4 बजे तक, उसके बाद में कहीं करना नहीं। वो भाई मैं मेरा ब्लाउज खोल लूँगी, बैठ गई ब्लाउज खोल लूँगी। धूप इतनी कड़क है खतरनाक। देखो वो मकान बिका हुआ है अभी, वो कल आज ही खाली करके गए कोने वाला, शायद अब 1550 से, 1550 नहीं है यार ये 1650 से, सिंगल है, 2 BHK है, 1650। क्या दाई दाई गई गायब हो गई दाई, ये इधर है दाई, ये री दाई, ये री दाई टाऊ काऊ है काऊ। लाडो दूध वाले भैया आया, आवाज दे तो भाई, दूध बोल बोल जल्दी बोल दूध। पता है दूध वाले भैया आते और हॉर्न बजाते ना तो ऐसे बोलती मम्मा दूध, तो पहले उठाई और निकल लेती बाहर। कल रात को ऐसा ही करा, मतलब दूध वाले भैया ने हॉर्न बजाए, ऊपर वाले हाथी लेते दूध हॉर्न बजाए मम्मा दूध, तो पहले उठाई निकल गई बाहर। मतलब बेटा अपने दूध वाले भैया नहीं है। लाडो कौन आता अपने घर? चाची आती है। कौन सी चाची आती? आधा सत्यम चाची आती। कौन आती बोल तो? सत्यम, तेरा बैकग्राउंड म्यूजिक देना जरूरी है। हाय दाई, ये मत बजा नहीं जाते जाते कुटा जाएगा मेरे हाथ से, तू अभी तक तो नहीं कुटाया। ये दाई नहीं है, ये हेन है, गाय तेली माता ये है। ये भी गाय जैसी दिख रही, ये भी गाय जैसी दिख रही, ये भी गाय, सब गाय गाय। कुत्रो कहाँ से कुत्रो? आओ डाय। क्या बोल रही प्रिंस? डॉगी कैसा भौंकता है? गैया कैसी बोलती? आ जाए। पिक कैसा बोलता? देखो सी जाने की खुशी उसकी। अच्छा चप्पल थोड़ी नहीं देंगे। चप्पल उधर उधर उधर
हाँ तो नीचे पहन लेना। वो चला कितनी खुशी बुलाया मेरा घर रख के आ गए। तभी मैं जा रही हूँ उनको छोड़ने के लिए। उसको खुशी इतनी हो रही है जाने की कि बाप रे बता नहीं सकते। लेना है धूप इतनी ज़्यादा तेज है, 2 बज रही है और धूप देखो। सब चले गए ना, चिराग भी चले गए, अद्विक भी दी, सब सब बच्चे चले गए। तो इसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। देखो ये बेटा, हाँ बेटा किससे बात करना है? मेरा बेटा अकेला हो गया। हाँ चिड़ा रही, इसको गुस्सा आ रहा है। हाँ फेंक दे। ओह मम्मी इसकी नोजी क्लीन कर दो, नोजी आ गई है। साढ़े 5 और अपना घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या शूट करना, सब चले गए, पूरा घर सुना हो गया। प्रिंसिया के लिए वो खुद जिद्दी कर रही थी कि मामा पास जाना है, नानी पास जाना है। मम्मी ने लिया जब जाके छुट्टी, उसको थोड़ा नचाया। अद्विक विधि चिराग भैया भाभी सब चले गए तो घर में बचा कौन यार थे? अकेली कौन चाहिए था? वो किसके पास जाना है? डेडा बस डेडा चाहिए। किसके पास जाना है? उधर कहाँ जाना है? जाना कहाँ है? डेडा चाहिए। डेडा फाइनली प्रिंसी की कर रही है नजर। किसकी नजर लग गई तेरे को? ऐसी चिड़चिड़ चिड़चिड़ मत कर आकर बेटा। हाँ जा जा, हाँ जा। प्रिंसिंग की मम्मा निकल, दादी अम्मा निकल, डेडा निकल, प्रिंसी की दादी निकल, पिंची निकल, प्रिंसी निकल। ये क्या हो रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सबको निकालो। देखो इसको कितनी नजर है। किसकी नजर लगी? आदि। बच्चे को माँ की भी नजर लग जाती, बचर बचर बोलती तो रहती है फुल टाइम। देखो नजर कितनी तेज है। हे एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 10:45 और आज था 12th का रिजल्ट। और हमारे यहाँ 12th में कौन है मैं बताती हूँ। हेलो गाइस, तो सर आपका रिजल्ट कैसा है? मतलब वो किस्मत इंसान में ही क्यों यार ऐसा क्यों? अरे 12th में ना था ऐसा, मतलब पेंडिंग पड़ा था इतने टाइम से। अब रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट कुछ ऐसा है कि आप जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए रहते ना उसके डबल में 10 ज्यादा। तो फिर बता, 33 से पास होते हैं है ना? 33 से पास होते हैं, 13 ज्यादा तो कितने हुए? कितने हुए? कहाँ ना? 66 और 10 कितने? नहीं 10 ही ज्यादा, 76। 76% बने तेरे? और कहाँ सूरज के कितने बने थे? देखो ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी इंसान को। मतलब एक तो पहले ही बेचारा 12वीं में प्रेशर में रहता है, सब दूर से प्रेशर। और मैं बताऊँ मतलब ऐसे कोई कोई से सर टीचर ऐसे रहते हैं, मतलब इंसान कोचिंग जाता है तो मतलब ऐसे शक की नज़रों से देखते, तो मनोबल करना चाहिए। हालांकि हमारे साथ ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है इसका भाई बड़े वाला इतनी पढ़ाई नहीं करता था, जितनी ये करता था उसके बहुत ज़्यादा परसेंटेज बने। कितने थे? 85 बने थे उसके। 85% बताया बिना शिवाय ने। उससे पहले मैंने क्या किया, मेरे रूम की हालत देखो। इसको देखा कुछ अंदाजा लग रहा होगा मैं कर रही थी। और शिवाय मैंने की है अपनी अलमीरा पूरी तरीके से सेट, मैं आपको बताती हूँ। हाँ इसको मैंने क्लीन नहीं की, इसको कल क्लीन करो। सो ये है मेरे सारे कपड़े, शिवाय के कपड़े ये रहे, शिवाय के कपड़े ये रहे। आप बोलोगे दीदी जीजू के बस इतने ही कपड़े, आपके जीजू पता है क्या करते हैं? ड्रेस पहन लेते हैं, छाट देते हैं अलग, फिर वो दूसरी ले आते हैं, फिर उनको पहन लेते हैं अलग कर देते हैं और न्यू ले आते हैं। तो इसलिए उनके कपड़े कम हैं पर सब नए नए हैं। और मेरे ये है सारे डेली वियर के, जिसमें से मुझे पसंद 1, 2, 3 और 4, 5
बस ये 5 मुझे ज़्यादा पसंद है जो कि मैं डेली पहनती हूँ, और बाकी ये रही मेरी साड़ियाँ। बहुत कमेंट आती है कि अदिति भाभी की साड़ियाँ पहनते हो, खुद के पास इतनी साड़ियाँ है पहनते नहीं हो, ये वो। तो ऐसा नहीं है, हम मतलब है ना, हमारी साड़ियाँ इकट्ठी होती है। मेरी कुछ साड़ियाँ भाभी के घर भी रखी हुई है, देखो मेरे पास रखने की स्पेस नहीं है, क्योंकि ये देखो पूरी ठूस ठूस के साड़ियाँ रखी हुई है, ये देखो जगह नहीं है। ये सारी मतलब डेली यूज़ में पहनने की, ये थोड़ी मार्केट वगैरह जाओ तो पहनने की है, ये भी थोड़ी मतलब हल्का सा मार्केट वगैरह पार्टी वियर है, और ये हैवी साड़ियाँ हैं, और ये तो नॉर्मल सी है, इसमें भी एक दो पार्टी वियर है, और नीचे मेरी शादी की साड़ी है, तो ये सब मैंने जमा दी। और इससे डबल टिबल मेरे पास ब्लाउज है, और ये देख सकते हो इधर मेरे जीन्स टॉप सारे हैं, इधर मेरे वेस्टर्न वियर और दुपट्टे वगैरह रखे हुए हैं, इधर ये सारी ज्वेलरी वगैरह, और नीचे पर्स वगैरह, और इधर है मेरी लाडो की बाड़ी, और इधर हम खा रहे हैं लपेटा प्याज केरी अचार और नमक के साथ। आ जाओ आप भी खा लो हमारा टेस्टी वाला लपेटा। लपेटा तो मेरे महादेव की जान है, लपेटा दाल बाटी सेव टमाटर। क्यों बेटू? पर आज मेरी इच्छा नहीं है। क्यों? थोड़ा सा ही खाऊंगा। आहो मैंने कढ़ाई भर के बनाया है सेव। ठीक है सेव ला।